हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी 11 फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड सेकंड वीडियो पॉइंट नंबर 12। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में सभी मेटाबॉलिज्म। कैन नॉन लिविंग एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 14। व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। पॉइंट नंबर 15। मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन ए ट्यूब आर लिविंग आर नॉन लिविंग। मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब एंड इन विट्रो आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बट उसका रिएक्शन जो है वो लिविंग है। पॉइंट नंबर 16। द मोस्ट ओबियस कॉम्प्लिकेट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे अधिक कॉम्प्लिकेट फीचर क्या हैं? द एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। व्हाट आर टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई? कौन कौन से टाइप इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हैं? इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई में भी फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 18। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड? फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल दोनों में फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर में रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। प्लांट मतलब जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, सीजन वाइज बोते हैं, उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, तभी हमें फ्रूट मिलते हैं। एनिमल जैसे हो गया बिल्ली, कुत्ता, ये सब। पॉइंट नंबर 19। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर रिफर टू द असाइनिंग ऑफ नेम टू ऑर्गेनिज्म। पॉइंट नंबर 20। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन द करेक्ट प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज टैक्सन? एनी कैटेगरी आर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली कॉल्ड एज ए टैक्सन। पॉइंट नंबर 22। व्हाट इज फाइलोजेनी? कहीं भी फाइलोजेनी आए तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जरूर देखना उस ऑप्शन में। फाइलोजेनी रिफर्स टू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग? कॉन्शियसनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट सेल है। नो, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूट सेल बट अराइज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूट सेल। टीशू की प्रॉपर्टी, टीशू के गुण कॉन्स्टिट्यूट सेल में नहीं होते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट सेल के इंट्रैक्शन के कारण होते हैं। पॉइंट नंबर 25। बाय व्हाट मीन्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर? दे आर लिंक टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। पॉइंट नंबर 26। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? स्टैंडराइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पोजिशन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाई द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर प्रोसेस जो है में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, जिसमें वह उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। पॉइंट नंबर 27। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? डिस्क्राइबिंग एन अननोन ऑर्गेनिज्म करेक्टली। एलिब्रेट ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल में फार आएगा और जूलॉजिकल में आफ आएगा। आफ माने के की का होता है। जूलॉजी में ह्यूमन आते हैं, जैसे हम बोलते हैं चाची के, मामा के, मामी के, तो के का देखो सभी जगह आ रहा है, तो वहाँ लगाओगे आफ, और बॉटनिकल में फार लगाओगे, और आई से इंटरनेशनल लगाओगे, इंडियन नहीं लगाओगे, इंटरनेशनल। पॉइंट नंबर 29। व्हाट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड बाय होम इज व्हाट गिवन? ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, जीनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस लिखा जाएगा और
स्पीसीज लिखाएगा। इट वॉज गिवन बाई कैरोलस लिनियस। पूछते हैं बाइनोमियल नामनक्लोचर कौन दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियो। थैंक्स।